हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ग्लो अप रूटीन, क्योंकि अभी आने वाली है दिवाली, फिर छठ, उसके बाद फिर वेडिंग फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो किस तरह से मैं अपने आप को पैम्पर करती हूँ, अपने स्किन को पैम्पर करती हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा, आप क्या एक्स्ट्रा करते हैं वो बताइएगा, या फिर आप इसमें से क्या नहीं करते हैं तो वो भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले जो अपने स्किन केयर में, यानी कि जो मैं अपने ग्लो अप रूटीन में जो फॉलो करती हूँ, सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपने फेशियल हेयर को रिमूव। अच्छा, फेशियल हेयर रिमूव करना बहुत लोगों को घर पे पसंद नहीं है, वो पार्लर जाते हैं, पार्लर जाके करवाते हैं, बट मैं फेशियल हेयर घर पे रिमूव कर लेती हूँ। और अपने आईब्रोज़ को भी मोस्टली मैं घर पे बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अभी फंक्शन वगैरह है, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो ऐसे समय में मैं थोड़ा सा पार्लर चल जाती हूँ, वहाँ से जाके अपने आईब्रोज़ को अच्छा से एक शेप दे देती हूँ, उसके बाद मैं घर पे आके अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से मैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ। जब भी फेशियल हेयर रिमूव करते हैं, थोड़ी सी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे कि जब भी फेशियल हेयर आपका रिमूव हो रहा होता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उस वक्त अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, अच्छे से आपको कोई भी जेल लगा लेना है, या फिर कोई भी क्रीम होता है वो क्रीम आप लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। अच्छा, अपने फेशियल जो रेज़र है, फेशियल हेयर रिमूवर जो रेज़र होगा, रेज़र को आपको अच्छे से सैनिटाइज़ करना है, अच्छे से उसे क्लीन करके रखना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। और जब आप फेशियल हेयर रिमूव कर लेते हैं तो थोड़ा सा आप आइस लगा सकते हैं अपने फेस पे, और कोई एक दही या कुछ ऐसा ठंडा सा मास्क होगा तो वो भी लगा सकते हैं, इससे आपकी जो स्किन है वो इरिटेटेड फील नहीं करेगी। तो ये सारे स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ अपने फेशियल हेयर को घर पे रिमूव करके। फेशियल हेयर जब रिमूव हो जाता है तो मैं उस दिन और कुछ नहीं करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं जो हूँ वो करती हूँ फेशियल, प्लस साथ में इसके ब्लीच करती हूँ। ब्लीच मैं हर बार नहीं करती हूँ, क्योंकि फेशियल आप महीने में एक बार करते हैं या फिर महीने में दो बार भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फेशियल जो है इस बार जब फेशियल कर रही हूँ तो इसके साथ मैं ब्लीच का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अब जो है फेस्टिवल है और आगे आने वाली शादी वादी भी है घर पे आपके, अगर शादी वगैरह है तो ब्लीच करने से फ़ायदा ये होता है कि ब्लीच जो है आपके स्किन को इवन टोन दिखाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है कि ब्लीच किस तरह से यूज़ करते हैं, तो आप घर पे ब्लीच बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं ब्लीच का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दिवाली आने वाली है, फिर छठ आने वाला है, तो ब्लीच मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ब्लीच को 3 से 4 महीने के बाद, इतने गैप के बाद ही लगाती हूँ। अच्छा, ब्लीच का क्या काम है? ब्लीच जो है आपके फेशियल हेयर को कलर कर देता है आपके स्किन के कलर से, तो आपका जो फेशियल हेयर है वो दिखता नहीं है। बट हमने तो यहाँ पे फेशियल हेयर को रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे जो ब्लीच है हमारा वो हमें मदद करेगा हमारे स्किन को इवन दिखाने में। बहुत बार आप देखते होंगे स्किन में थोड़ी बहुत डिस्कलरेशन हो जाती है इस जगह पे, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा होता है, फॉरहेड पे होता है, तो उसे थोड़ा सा इवन करने में हेल्प कर रहा होता है। तो फेस्टिवल वगैरह पे थोड़ा सा स्किन अगर इवन होती है तो आगे मेकअप वगैरह भी काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए इस समय मैं जो ब्लीच है उसका इस्तेमाल करती हूँ। जब ब्लीच इस्तेमाल कर लेती हूँ उसके बाद मैं फेशियल का यूज़ करती हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे जो फेशियल है, मैं यहाँ पे लोटस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो घर पे बना हुआ कोई भी DIY फेशियल यूज़ कर सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा आता है। क्योंकि मैं अगर मंथ में दो बार फेशियल कर रही होती हूँ तो एक बार मैं मार्केट वाला यूज़ कर लेती हूँ, एक बार घर वाला यूज़ कर लेती हूँ, हर वीक में एक बार कोई ना कोई DIY फेशियल बना के तो मैं यूज़ कर ही लेती हूँ। उसमें दही वाला हो सकता है, राइस वाला हो सकता है, पपाया फेशियल हो सकता है, बनाना फेशियल हो सकता है, तो बहुत तरह के फेशियल होते हैं DIY फेशियल। आप इसे घर पर आराम से यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, लगा सकते हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। जब आप कंटिन्यूस इसे लगाते हैं करते हैं तो आप देखेंगे आपकी स्किन जो है ग्लोई हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए मैं घर पे बना हुआ DIY वाला तो हर वीक कर ही लेती हूँ, या 15 दिन में एक बार तो करती हूँ, लेकिन जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है या फेस्टिवल होता है तो मैं इस तरह से मार्केट वाला यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लोटस वाला यूज़ कर रही हूँ, मुझे लोटस वाला का रिज़ल्ट अच्छा लगा,
पहले मैं VLCC वाला यूज़ कर रही थी, VLCC का भी रिजल्ट अच्छा था, बट लोटस का मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा। और एक है O3 का, तो O3 जो है ये वाला जो फेशियल है इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आगे जो वेडिंग फंक्शन आने वाली है उसके लिए मैंने O3 का रखा हुआ है, उसमें मैं यूज़ करूँगी O3 वाला फेशियल, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आपको इजीली अमेजोन से मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं ये सारे फेशियल। तो उसके बाद मैं फेशियल कर लेती हूँ और ये नेक्स्ट डे करना है। जब भी आप फेशियल हेयर रिमूव करते हैं और इसके साथ आप ब्लीच करते हैं तो आपकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड हो सकती है, स्किन पे रेडनेस आ सकती है, इसलिए साथ में बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जब भी फेशियल हेयर रिमूव करेंगे उसके बाद आपको कम से कम एक दिन का गैप देना है। एक दिन का गैप देने के बाद ही आपको अपने फेस को ब्लीच करना है, उसके बाद आप फेशियल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास लोटस का फेशियल है वो मैं कर रही हूँ, 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। और इसे मैं प्रेफर करती हूँ रात में करना, क्योंकि ब्लीच और फेशियल रात में अगर आप करते हैं उसके बाद एक अच्छी सी नींद लेते हैं तो स्किन आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्लोई हो जाती है, काफ़ी अच्छी रहती है। तो कोशिश करें फेशियल आप रात में करें, रात में करके उसके बाद एक अच्छी सी नींद ले लें। तो ये हो गया फेशियल और ब्लीच। और यहाँ पे अब इसके बाद मैं एक छोटा सा मेकअप लुक जो है वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप देख पाएँ जो स्किन है वो कितनी अच्छी दिखती है इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद, स्किन कितनी ग्लोई दिखती है। तो इस तरह से मैं अपने घर पे ही अपने स्किन को क्लीन करती हूँ। और भी स्किन केयर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं करती हूँ, तो इस वीडियो में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इतनी सी ही चीज़ें मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। अब इसके आगे एक मेकअप लुक है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत छोटा सा है, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि स्किन जो है वो कितनी अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें करने के बाद। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ मेकअप। और मेकअप करने के पहले हमेशा आपको अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो ल्यूमिक क्रीम। अच्छा, ये जो है ये मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा, साथ ही साथ इसमें ये जो है इल्यूमिनेटर यानी कि जो लिक्विड हाइलाइटर है उसका भी काम करेगा, तो बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी लाइट वेट है, स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है, तो ये ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं अपना रेगुलर मॉइस्चराइज़र जो है वो भी ले रही हूँ और इसके साथ थोड़ा सा ये जो मामा अर्थ का ल्यूमिक क्रीम है इसे यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ मैं, क्योंकि ये जो है ये किसी पार्टी फंक्शन या फेस्टिवल के लिए मेकअप लुक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप यहाँ पे फाउंडेशन का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फाउंडेशन स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी फाउंडेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ड्रॉप फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है और इसे ही अपने स्किन पर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, इतने अच्छे से अगर आप अपने स्किन को प्रेप एंड प्राइम करते हैं, जो भी मैंने आगे आपको बताया हुआ है वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्किन आपकी काफ़ी अच्छी लगेगी, ग्लोई लगेगी। बट इसमें जो मैंने मामा अर्थ का क्रीम जो यूज़ किया है, इससे स्किन और भी काफ़ी अच्छी लगती है, ग्लोई लगती है, बहुत नेचुरल लुक आता है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है और इसे इस तरह से आप देख सकते हैं ब्लेंड कर रही हूँ और आप देखेंगे स्किन पर काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो किसी भी पार्टी फंक्शन के पहले आप इस तरह से अपना जो रूटीन है वो फॉलो कर सकते हैं, घर पे ही अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने ब्लीच फेशियल सारी चीज़ें घर पे ही कर सकते हैं। तो इस तरह से ही मैं किसी भी फेस्टिवल या पार्टी के पहले अपने स्किन को प्रेप करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन को अच्छे से मिक्स कर लिया है, फाउंडेशन बहुत कम था तो बहुत हल्की सी कवरेज मिली है, तो आप देख सकते हैं स्किन बिल्कुल स्किन जैसी लग रही है, इसके ऊपर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने बहुत सारी फाउंडेशन लगा ली है। अच्छा, यहाँ पे मैं किसी भी तरह कोई भी कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप कंसीलर लगाना चाहते हैं तो आप कंसीलर भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर जो है उसका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो लूज़ पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने फाउंडेशन जो है वो बहुत हल्का सा यूज़ किया हुआ है, तो आपका मेकअप इधर उधर बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा अगर आप लूज़ पाउडर लगा लेंगे तो आपका मेकअप बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े से अपने आईब्राउज़ को फिल कर रही हूँ, थोड़ा सा मस्कारा लगा रही हूँ और यहाँ पे मैंने काजल के लिए ग्रे कलर यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कलर जो है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी आई शेडो का यूज़ नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे मैं ग्रे कलर जेल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही हूँ। आप
अपने हिसाब से ब्लश लगा सकते हैं, कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, हाइलाइटर लगा सकते हैं, बट उन सब की नीड यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती है। ये ल्यूमी क्रीम लगाने के बाद आपका स्किन जो है काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा होता है, तो किसी भी फाउंडेशन के पहले आप इस ल्यूमी क्रीम को लगाइए, यूज़ कीजिए, इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। सिर्फ